जी सर, फाइनली 50 मिनट के बाद मस्त नींद पूरी करके मैं पहुंच गया हूं टोरंटो एयरपोर्ट। तो अभी कस्टमर सर्विस पे जाके बात करनी पड़ेगी अभी क्या हिसाब किताब है, कोई लाइक अल्टरनेट फ्लाइट अरेंज हो सकती है नहीं हो सकती है। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज मैं निकलने लगा हूं अपनी एक 4 दिन की ट्रिप पे बिल्कुल अकेला, एक ऐसी सिटी में जो कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है और नेचर के भी काफ़ी करीब है। और अभी बज रहे हैं 9 और मेरी फ्लाइट है टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो वहाँ चलते हैं, आप लोगों को सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। और जब तक मैं उस सिटी में पहुंचता नहीं हूं तब तक आप गेस कर सकते हो कि मैं कौन सी सिटी में जा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम घूमने चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार, किचनर से टोरंटो एयरपोर्ट जाने के वैसे तो 2-3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये था कि मैं गो बस को यूज़ कर सकता था, जिसके टिकट का प्राइस आई थिंक $20 या $25 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि वो 3-3.5 घंटे लेती है किचनर से टोरंटो एयरपोर्ट तक लेके जाने के लिए, क्योंकि वो मिसिसागा वगैरह घुमा के लेके जाती है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं राइड शेयर कर सकता था। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई किचनर से टोरंटो जा रहा है या फिर लंदन से किचनर या फिर कहीं से भी कहीं जा रहा है, तो उन फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में डाल देते हैं कि मैं इतने बजे यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, उनके साथ गाड़ी वगैरह शेयर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं और आपका काम हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं ऑनएक्स बस को यूज़ कर सकता था। आई थिंक ये सर्विस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, जो कि लंदन से टोरंटो लेके जाती है। और किचनर से टोरंटो जाने की जो टिकट का प्राइस है वो है $26 और वो चलती है किचनर में एक स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन नाम की जगह से। तो वहाँ जाना है, लेकिन वो जो जगह है मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 19 या 20 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ जाने के लिए अगर मैं कैब करूँगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लाइक $30-35 लग जाएंगे। तो इतना खर्चा करना नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे किचनर का, तो इन बसों को यूज़ करके वहाँ तक पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास किचनर का जो अनलिमिटेड पास है मंथली वाला, वो है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वहाँ तक चलते हैं और आप लोगों को सारा का सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। हाँ जी, तो यार, अब मैं पहुंच गया हूँ किचनर में एक क्वीन स्टेशन पे। यहाँ से मेरे को पकड़ना है एक ट्रैम जो कि मेरे को लेके जाएगा फेयरवे स्टेशन। तो यार, किचनर वाटरलू एरिया में मैंने ट्रैम को यूज़ करके 2 बार ट्रैवल किया है और दोनों बार मेरी इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने टिकट चेक की है, तो बिना टिकट के ट्रैम में घूमने का सोचना भी मत। हाँ जी, तो अब मैं पहुंच गया हूँ फेयरवे स्टेशन। अब यहाँ से जाना है स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन, जहाँ से मेरे को ऑनएक्स बस मिलेगी। और वहाँ तक जाने के लिए मेरे को 302 नंबर बस पकड़नी है, जो कि आप पीछे देख सकते हो। तो इस बस पे चढ़ते हैं और पहुँचते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन। हाँ जी, तो यार, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ किचनर के स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन। अब यहाँ से मेरे को मिलेगी ऑनएक्स बस, जो कि मेरे को लेके जाएगी टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहाँ से मेरे को मिलेगी एयर कैनेडा की फ्लाइट, जो कि मेरे को लेके जाएगी उस सिटी में जो कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 और बस है 9:30 की। तो 15 मिनट यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और जैसे ही बस आती है तो आप लोगों को सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। और यार, अगर आपको गो बस पकड़नी हो किचनर से, तो वो भी यहीं पर आती है और यहाँ से वो सीधा हाईवे पकड़ लेती है। यार, ऑनएक्स बस के बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी कि ये सिर्फ 45 मिनट में आपको किचनर से टोरंटो एयरपोर्ट पहुंचा देती है। साथ के साथ लंदन से टोरंटो अगर आपको जाना हो तो उसमें भी आपको लाइक 1.5 घंटा लगेगा। और जो टिकट का प्राइस है वो सिर्फ $26 है किचनर से टोरंटो के लिए, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। और इसी टिकट के प्राइस में 2 बैग भी अलाउड होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत ही बढ़िया सर्विस है। तो इसलिए मैंने ऑनएक्स बस को चूज़ किया। अब उसका थोड़ा वेट करते हैं। अभी जो पीछे आप वैन सी देख सकते हो बड़ी सी, ये है ऑनएक्स बस। अब बस सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि यार बस ही होगी, बहुत बड़ी, वो नहीं है। बेसिकली जितने पैसेंजर्स होते हैं उस हिसाब से ये व्हीकल भेजते हैं। तो अभी पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा नहीं है जो किचनर से टोरंटो जा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने इस तरीके का व्हीकल भेजा है। जिधर फाइनली 50 मिनट के बाद मस्त नींद पूरी करके मैं पहुंच गया हूं टोरंटो एयरपोर्ट। अब बहुत नींद आ रही थी क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से मैं सुबह 5 बजे से उठा हूं, तो बस में थोड़ी देर सो गया था। अब अंदर चलते हैं, अपना चेक इन वगैरह कराते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और आप लोगों से मिलते हैं। तो बेसिकली यार, खाने पीने का सौदा मैंने ले लिया है, तो मैंने लिए एक कॉफ़ी फ्रेंच वेनिला विद अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो। साथ के साथ मैंने एक सैंडविच सा लिया और साथ के साथ हैश ब्राउन लिया है। तो ये सारा जो सौदा है मिला के जो खर्चा हुआ है वो हुआ है $10.28। तो काफ़ी महंगाई हो गई आजकल। एक ज़माना होता था जब हम नए नए कनाडा आए थे, यही सारा सौदा अप्रॉक्सीमेटली $8-8.5 में आ जाता था। तो ये देख के पता लगता है कि भाई चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई।
अब यार जिस हिसाब से अपनी खुराक है, इतने खाने से तो पेट भरेगा नहीं, ठीक है, मेरे को देख के पता ही लगता है। तो इससे एक या दो घंटे काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी टाइम पास के लिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो यार सुबह से अभी तक सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई है कि मेरे को टोटल 5 लोग मिल चुके हैं किचनर से टोरंटो आते आते, जो कि लविंग सब्सक्राइबर्स थे। 2 मेरे को मिले थे किचनर की ट्रांजिट में, एक भाई साहब जो 302 बस चला रहे थे, जो कि मेरे को लेके गई थी फेयरव्यू स्टेशन से स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन, तो उसके जो बस ड्राइवर थे उन्होंने भी मेरी वीडियोज़ वगैरह देख रखी हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। और साथ के साथ अभी 2 बच्चे मेरे को यहाँ टोरंटो एयरपोर्ट पर मिले थे। तो बहुत अच्छा लगता है यार जब आप लोग मेरे को आगे मिलते हो, बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। पता लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करती हैं, तभी आप लोग आगे मिलते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब खाना पीना हो गया, पेट थोड़ा सा भर गया, जब तक काम सेट रहेगा देखते हैं। अब चलते हैं चेक इन कराने और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, तो यार चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया, उन्होंने मेरी वैक्सीनेशन रिपोर्ट भी देखी थी, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलता है ओंटारियो में। अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक कराने। हाँ जी, तो यार सिक्योरिटी चेक हो गया, अब चलते हैं अपनी गेट की तरफ जो कि है D11, और वहाँ से है मेरी फ्लाइट एयर कैनेडा। और लेट्स गो। तो यार बड़े ही दुख से कह रहा हूँ कि जो मेरी फ़्लाइट थी एयर कैनेडा की टोरंटो से, जिस सिटी में जाना है वहाँ की, वो कैंसिल हो गई है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो अभी कस्टमर सर्विस पे जाके बात करनी पड़ेगी भी क्या हिसाब किताब है, कोई लाइक अल्टरनेट फ़्लाइट अरेंज हो सकती है नहीं हो सकती है, तो जाके देखते हैं, वरना कोई और ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आज पहुंचना, क्योंकि कल बहुत ही स्पेशल इवेंट है मेरे लिए। तो यार मेरी जो एयर कैनेडा की फ़्लाइट थी वो 2 बजे की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस एयर कैनेडा वालों ने वो फ़्लाइट कैंसिल कर दी। आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन कैंसिल हो गई, और उन्होंने मेरी फ़्लाइट रीशेड्यूल की अगले दिन, मतलब कल की सुबह 8 बजे की, जो कि मेरे को मेरी डेस्टिनेशन पे सुबह 10 बजे पहुँचा रही थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक इवेंट अटेंड करना है, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग है, और वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को और कोई ऑप्शन दो किसी तरीके से मैं आज पहुंच पाऊं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप स्टैंड बाय टिकट ले सकते हो। अब स्टैंड बाय टिकट क्या होता है, बेसिकली एक फ़्लाइट थी 3 बजे की, एक फ़्लाइट थी रात को 9 बजे की, और एक फ़्लाइट थी कल सुबह 4 बजे की। उन्होंने कहा कि भाई ये जो फ़्लाइट्स हैं फुली बुकड हैं, लेकिन अगर कोई कैंसिल करता है या फिर शो अप नहीं करता, तो उस केस में आपको वो फ़्लाइट, मतलब सीट वगैरह मिल जाएगी। लेकिन यार वो रिस्की काम है, अगर ना हुआ तो मेरे को अगले दिन सुबह 8 बजे लेनी पड़ती, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि मैं इवेंट अटेंड नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने वो सारा सौदा कैंसिल करा दिया। मैंने कहा कि मेरे को रिफंड प्रोसेस कर दो, मेरे को आपके एयर कैनेडा या फ़्लाइट से नहीं जाना। और मैंने एक और टिकट बुक कराई है पोर्टर एयरलाइंस की। तो बेसिकली वो जो फ़्लाइट है वो चलती है बिली बिशॉप एयरपोर्ट से। जो मेरी एक्चुअल फ़्लाइट थी वो थी पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, लेकिन मेरे को बिली बिशॉप एयरपोर्ट जाना है क्योंकि वो दूसरी फ़्लाइट वहाँ से है। और अभी मैं खड़ा हूँ डाउनटाउन टोरंटो में, और पीछे जो आप ये बस देख सकते हो ये वाली, ये है एक शटल बस जो कि मेरे को लेके जाएगी YTZ एयरपोर्ट, मतलब वो कोड है बिली बिशॉप एयरपोर्ट का। तो वहाँ से मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मेरे को 4:45 वाली मिल जाए, क्योंकि 4:45 भी है, अगर वो मेरी चेंज कर देते हैं तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ी 2 घंटे जल्दी पहुँच जाऊँगा, सारे लोगों से जल्दी मिल लूँगा। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, सारा का सारा अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। और ये जो पीछे भाई साहब लेके जा रहे हैं, मेरे को इनसे ज़रा बात करते हैं। सो दिस जेंटलमैन इज़ टेकिंग मी टू बिली बिशॉप एयरपोर्ट, एंड व्हेन आर वी लीविंग? 10 minutes. Yeah. So we are leaving in 10 minutes. Air Canada cancelled my flight from YYZ, like Pearson International Airport. So that's why I have to come here. Yeah. Oh, okay. Yeah, that's the problem. So I rebooked my flight for from Porter Airlines. Yeah. He'll take me there. टोरंटो डाउनटाउन में 10 मिनट वाला रास्ता 40 मिनट में कवर ना होए ट्रैफिक की वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता। यार फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बिली बिशॉप एयरपोर्ट, और ये बेसिकली जो एयरपोर्ट है बिल्कुल डाउनटाउन टोरंटो के सामने है। मेरे को बिल्कुल स्काईलाइन दिख रही है, प्रॉपर सीएन टावर दिख रहा है। अभी आप लोगों को व्यू दिखाता हूं। और इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए या तो फेरी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो पानी के ऊपर चलती है, या फिर एक टनल के थ्रू इस एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। और यहां से मेरी जो फ़्लाइट है वो है 6:30 बजे की, और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। मैंने ट्राई किया था कि मैं 4:45 वाली फ़्लाइट पकड़ लूँ, लेकिन डाउनटाउन टोरंटो का तो पता ही है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था यार, हद से ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मैं नहीं पहुँच पाया टाइम पर। लेकिन कोई बात नहीं, 6:30 बजे फ़्लाइट पकड़ेंगे और अपनी डेस्टिनेशन तक होपफुली पहुँचेंगे फाइनली। और यहाँ से व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, प्रॉपर सीएन टावर वगैरह दिख रहा है, प्रॉपर जो डाउनटाउन की स्काईलाइन है वो दिख रही है। तो अब ऊपर चलते हैं, चेक इन कराते हैं, सिक्योरिटी चेक वगैरह कराते हैं, और उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। हाँ जी, तो यार चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास भी मिल गया, और जैसे कि पीछे देख सकते हो मैं सिक्योरिटी भी पास कर गया हूँ। तो अब नीचे चलते हैं और फ्लाइट का वेट करते हैं। तो फाइनली यार बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो गई है, अब निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि यार मेरे सामने अप्रॉक्सीमेटली 200 लोग बैठे हैं, और ये क्लिप बनाते हुए मेरे को बहुत शर्म आ रही है, बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा, एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि लोगों के सामने वीडियो बनाते हुए शर्म आती है नहीं आती है। यार शर्म आती है, लेकिन वो सोचा मत करो, क्योंकि इन लोगों ने अपने बिल नहीं भरने, हमें अपने लिए सब कुछ खुद ही करना है। तो लोगों की छोड़ो, अपना काम करो और निकलो। तो ये यार अपनी फ्लाइट, और इसको बोर्ड करते हैं और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ।
हाँ जी, तो यार फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे जो कि है थंडर बे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी कॉन्वोकेशन अटेंड करने आया हूँ जो कि कॉन्फेडरेशन कॉलेज वालों ने 2020 में कैंसिल कर दी थी कोविड की वजह से। तो उन्होंने इस साल कॉन्वोकेशन ऑर्गेनाइज की है 2020 और 2021 वाले बैचेस के लिए, और यहाँ पे मैं 3 दिन के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को कॉन्फेडरेशन कॉलेज दिखाएंगे, थंडर बे सिटी सारी की सारी दिखाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब और अकोमोडेशन का क्या सीन चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। और साथ के साथ मैं आप लोगों को सारी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की थी, जहाँ जहाँ पे मैं रहा था, और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलाऊंगा। तो आई होप बढ़िया ट्रिप रहेगी। तो अभी बाहर निकलते हैं, जो मेरा फ्रेंड मेरे को लेने आया है, देखते हैं कि आया भी है कि नहीं, तो उससे आप लोगों को मिलाते हैं और पहुंचते हैं अपने घर। हाँ जी, तो यार ये है कबीर, मेरा जिगरी दोस्त, जिसके साथ मैंने 2 साल अपना रूम शेयर किया था जब तक मैं एज अ स्टूडेंट थंडर वे में रहा था, है ना भाई? बिल्कुल सही बात। तो हमने काफी दुख सांझे किए हैं, काफी सुख भी सांझे किए हैं, और ये भाई साहब मेरे को लेने आए हैं अपनी नई नवेली महंगी गाड़ी में, देख रहे हो। अब मेरे को ये बता कि टाइम क्या हो रहा है अभी? 9:10। तो भाई 9 बजे भी दिखा दे एक बार, प्रूफ दिखा दे। गाड़ी भी महंगी है भाई साहब, तो 9 बजे भी यहाँ पे दिन रहता है कनाडा में, आई थिंक 10:30-11 बजे तक रहता है। तो यही हिसाब किताब है, तो चले चलो भाई। हाँ जी, फिर फाइनली घर पहुँच गया हूँ, रेस्ट वगैरह कर लिया है, खाना वाना खा लिया है, एकदम काम सेट हो गया। अब थोड़ी देर गेम खेलेंगे फीफा, काफ़ी टाइम बाद खेलेंगे अपने दोस्त के साथ, और कल है कॉन्वोकेशन, तो आप लोगों को दिखाएंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।